अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद की पार्टी बच्चों के लिए तो बनती है, तो हमने आज ईद के कुछ ऐसे स्पेशल रेसिपीज़ आपके साथ में शेयर कर रहे हैं जो हमारे बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे। तो बच्चे के इतने रोज़े रखने के बाद में उनके स्पेशल डिशेस होने चाहिए ईद के दिन। तो हमने सबसे पहली डिश बनाई है ईद के लिए चिकन क्रिस्पी। आप सभी लोगों को ईद मुबारक। इस स्नैक्स को हम लोग और भी दूसरे बच्चों की पार्टी में बना सकते हैं। हमने चिकन के पीसेस लिए हैं बोनलेस, इसमें हमने टर्मरिक और थोड़ा तंदूरी मसाला भी डाला है और कॉर्नफ्लोर डाली है। अब कश्मीरी चिली पाउडर भी आप डाल सकते हैं, जिससे आपको नेचुरल रेड कलर मिलेगा आपके चिकन क्रिस्पी में। अभी इसमें आप 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, जिससे आपके चिकन में अच्छा सा एक थिकनेस सॉफ्टनेस आ जाएगा, इसको एक अच्छे से कोटिंग मिलेगी। और अब आप इसको अच्छे से सॉल्ट डाल के मैरिनेट करके 2 से 3 घंटा एटलीस्ट 1 आवर आपने इसको मैरिनेट करके रख देना है। इसमें आप विनेगर डाल दीजिए, और मैंने इसमें 1 स्पून विनेगर डाला है और 1 स्पून सोया सॉस भी डाला है, ताकि हमारे बच्चों को इसमें अच्छा सा एक चाइनीज़ का भी इसमें टेस्ट मिलेगा। अब समोसे की पट्टियों को बारीक बारीक से काट लिया है, और अब इसमें हमने इसको काट के सेपरेट रख लिया है। अब हमारा 1 आवर अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब हमको एक अलग अलग से पीसेस को लेके हमने उस पट्टियों में रोल कर लेना है, स्लाइटली उसको दबा देना है, प्रेस कर लेना है। अगर आपकी पट्टियाँ प्रेस नहीं हो रही है अच्छे से, तो आपने इसको हाथ को थोड़ा सा गीला कर लेना है, और फिर अच्छे से आपकी पट्टियाँ उसमें लग जाएगी, उसमें चिपक जाएगी, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाला है तो आराम से लग जाती है, उसमें चिपक जाती है। और उसको आप अलग अलग सेपरेट करके रख दीजिए, ताकि वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, तो आपको तलने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अब हमारे हमने इसमें 7 से 8 पीसेस को लगा के देखिए कितने इजीली हमारे सारे चिकन क्रिस्पी में समोसे की पट्टियाँ अच्छे से स्टिक हो गई है। अब इसको हमने सेपरेट रख दिया है, वो थोड़े से ड्राई हो जाएंगे और बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। फिर हमने इसको डीप फ्राई करना है, और एक एक सेपरेट सेपरेट डीप फ्राई करना है। हमने इसको हाई फ्लेम पर करना है स्टार्ट में, ताकि वो एक दूसरे से चिपके नहीं। डीप फ्राई कर हाई फ्लेम पर करने के बाद में आप उसको स्लाइटली स्लो फ्लेम कर सकते हैं। अब हमने दूसरे बैचेस में 3 से 4 फिर से फ्राई करना है। अब देखिए हमारे इतने क्रंची चिकन क्रिस्पी तैयार है, हमारी एक डिश बन के तैयार हो गई है। हमारे बच्चों ने इसको बहुत ही अप्रिशिएट किया, बहुत पसंद किया। अब सेकंड है हमारा नूडल रोल, जिसको भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इसके लिए हमने कैबेज के स्ट्रिप्स काट लिए हैं, कैरेट काट लिए हैं। अब इसमें हम शिमला मिर्च भी डालेंगे, और इसको अच्छे से धो के इसको ड्राई करके पानी अच्छे से ड्रेन कर लीजिए, और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको स्टिर फ्राई कर लेना है। ग्रीन चिली सॉस डाल दीजिए, आप इसमें टमाटो सॉस भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा विनेगर डाला है, ताकि इसमें थोड़ा टैंगी फ्लेवर आएगा। इसको स्पाइसेस आप डाल सकते हैं, मैंने इसमें थोड़ा सोया सॉस डाला है, चिली सॉस डाला है, ग्रीन चिली सॉस डाला है, और आप इसमें चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें बहुत ही कम चिली पाउडर डाला है। अब इसमें सॉल्ट डाल के इसको थोड़ा क्रंची ही रखना है, हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, ताकि हमारे नूडल्स अंदर से पके नहीं, उसकी वेजिटेबल का टेस्ट हमको बाकायदा लगे, ऐसा इसके लिए हमने इसको स्लाइटली जस्ट उसको स्टिर फ्राई करना है। हमने नूडल्स इसमें, जैसे हमने इसके पहले वाले वीडियो में बनाया था कि नूडल्स को किस तरह बॉईल करना है, और बॉईल करने के बाद में उसको हमने कोल्ड वाटर में थोड़ा सा वॉश कर लेने से वो एक दूसरे में स्टिक नहीं होते, और उसमें 1 स्पून ऑयल डाल दीजिए। अब हमने नूडल्स डाल के उसको स्टिर फ्राई कर लिया। अब इसकी फिलिंग के लिए हमने मैदा लिया है, उसमें ऑयल सॉल्ट डाल के इसको पहले से थोड़ा सा हल्का सा गूंद लेना है। अब इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, और इसको थोड़ा थिक गूंदना है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है। जैसे हमने इसके पहले बताया था, पहले वाले वीडियो में बताया था कि इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदना है, और हार्ड ही हमारा रहेगा। अब हमने इसकी छोटी सी लोई बना के, जैसे समोसे की पट्टी बनाते हैं वैसे थोड़ा सा समोसे का एक लोई बना के हमने इसको बना के उसमें नूडल का जो भी हमने बना के रखा था उसका मिश्रण उसमें डाल के दोनों साइड से पहले पैक करना है, ताकि वो एक साइड में से ना निकले। और अब 1 साइड से उसको रोल करके अब उसको आप अच्छे से पानी से इसको चिपका सकते हैं, तो वो हमारे एक रोल बन जाएंगे। देखिए हमने इसको पानी से एक तरफ से स्टिक कर दिया है, और दोनों साइड से नीचे के दोनों साइड से हमने उसको पहले ही पैक कर लिया था। ये हमारा एक रोल बन के तैयार हो गया है। इसी तरह हम अपने स्लो स्लो धीरे धीरे 2-3 रोल और मैं आपको बताती हूँ, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि हमने कैसे और दूसरे रोल बनाए हैं। ये देखिए हमारे दोनों साइड से अच्छे से हमारे रोल पैक हो गए हैं, ताकि इसमें नूडल हमारे बाहर ना निकले। अब हमने एक प्लेट में इसको रख लेना है, वो एक दूसरे से स्टिक नहीं हो, इसके लिए हमने इसमें थोड़ा सा आटा डाला है, ताकि वो एक दूसरे से स्टिक नहीं हो गए। देखिए अब हमारे कम से कम 7 से 8 रोल बन के तैयार हो गए। जैसे मैंने बनाया है उसको आपने वैसे ही फॉलो करना है, वैसे ही बनाना है,
दोनों साइड से उसको पहले पैक कर लेना है और फिर बाद में रोल को, मैगी रोल को स्लो स्लो, नूडल्स रोल को स्लो स्लो रोल करके सेकंड साइड लास्ट वाले साइड में आपने पानी से उसको स्टिक कर देना है। अब हमारे सारे रोल हो गए हैं, अब बारी आती है उसको फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए भी आपने इसको स्टार्टिंग में हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो हम पहले इसको एक एक करके फ्राई करेंगे ताकि वो एक दूसरे से स्टिक ना हो। अब हमारे दो से तीन फ्राई हो गए, इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करने का क्योंकि ऑलरेडी हमारे नूडल्स में कुक्ड है, सारे वेजिटेबल कुक्ड है। तो जो हमारे ऊपर के जो मैदे की जो कवर है, जो हमारे रोल के ऊपर की कवर है, बस वो पकनी चाहिए और क्रंची होनी चाहिए। तो हमारे अब 7 से 8 रोल बनके तैयार हो गए, ये भी बहुत ही टेस्टी बने थे। अब तीसरी आती है हमारे स्नैक्स, हमारे इफ्तार कटोरी चाट। कटोरी चाट के लिए भी हमने वैसे ही मैदे का, यही सेम मैदे का जो हमने गूंथ के रखा था उसी में बनाना है। हमने एक कटोरी छोटा सा लोई बेल के हमने उसमें एक कटोरी, छोटी कटोरी का साइज़ लिया है और उसको फोर्क से उसको उस पर छेद कर देना है ताकि वो पूरी की तरह फूले नहीं। अब एक कटोरी को हमने पीछे साइड से ऑयल से ग्रीस कर लेना है, कटोरी रख के उसके शेप में ही हम उसकी लोई को उसके शेप दे देंगे। जिस तरह मैं बना रही हूँ उसी तरह आपने इसको फॉलो करना है। और अब इसमें हमारी एक छोटी सी कटोरी पैक हो गई है, जैसे हम इसको डीप फ्राई करेंगे स्लो स्लो हमारी कटोरी धीरे से साइड से निकल जाएगी। अब जो ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट है आप उसको कट करके, चाकू से कट करके या फिर हाथ से स्लो स्लो करके निकाल सकते हैं, जैसे मैंने इसमें अभी बताया है। तो आप इसको ऐसा करके निकाल दीजिए। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। देखिए कितने अच्छे से डीप फ्राई होके हमारी कटोरी साइड से अच्छे से निकल जाएगी और हमारी कटोरी चाट की जो कटोरी है वो बहुत अच्छी बनेगी। बहुत ही अच्छी बनती है, क्रिस्पी बनती है और बहुत हमने सभी ने पसंद किए थे, बच्चे के बड़े हम सभी लोगों ने इसको बहुत पसंद किया था। तो अब हमने 2 से 3 देखिए हमारी कटोरी कितनी अच्छी इजीली निकल गई है। तो इसी तरह हमने दूसरे शेप की कटोरी भी ले लिया, बाहर से उसको ग्रीस कर लिया ऑयल से। अब हम इसको डालेंगे हमारी लोई पे, आटे की लोई पर, मैदे की जो हमने भी गूंथ के रखी थी वो। और अब इस तरह साइड से उसको कवर कर लेंगे, चारों साइड से, सभी साइड से कवर कर लेंगे और इसको भी डीप फ्राई करेंगे। देखिए हमारी कटोरी साइड से छूट गई है और हमारी चाट वाली कटोरी निकल रही है। अब हम इसको स्लोली कटोरी को पकड़ से निकाल लेंगे, बहुत ही ईजिली निकल जाती है। ये देखिए हमारी कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी कटोरी बन गई है। अब इसमें हम लोग फिलिंग करेंगे चाट की। अब इसमें हम लोग फिलिंग करेंगे पोटैटो की, बॉयल्ड चने की, और आप इसमें जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर 3 कटोरी बन के रेडी हो गई है। मैंने बहुत सारी बनाए, मैं इसमें 3 कटोरी की फिलिंग कर। तो अब इसमें हम लोग डालेंगे बॉयल्ड चना डालेंगे। अब हम इसमें बॉइल्ड, पहले सबसे पहले पोटैटो की फिलिंग करेंगे। बॉइल्ड पोटैटो से हमने हमारी कटोरी को फिल कर देंगे। अब इसमें आप बॉइल्ड चना डाल सकते हैं, बॉइल्ड रगड़ा डाल सकते हैं। हम यहाँ पर इसमें बॉइल्ड चने डाल रहे हैं। अब इसमें हम चॉप्ड अनियन डालेंगे, कोकुम्बर डालेंगे, टोमेटो डालेंगे। अगर आप और कुछ डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोकुम्बर, टोमेटो एंड इसमें अनियन डाला है। अब इसमें हमने डाले हैं शेव, वो उसके ऊपर गार्निश करेंगे। और अब हम इसमें बीटरूट गुड़ की चटनी डालेंगे। इसके लिए हमारी चटनी इसमें बहुत ही ब्राइट दिखेंगे। और यहाँ पे हमने कुछ थोड़े से मैदे के कुछ रोल बच गए थे, उसकी हमने पपड़ी बना ली थी, ये पपड़ी भी हमने ऊपर से डाल दी। अब ये हमारी जो इतनी खूबसूरत चटनी जो दिख रही है, इतनी ब्राइट रेड है, हमने बीटरूट गुड़ और इमली की चटनी बनाई है। अब गार्निश कर लीजिए। फाइनल लुक इसमें आएगा अनारदाने से, आप पोमेग्रेनेट के दाने से इसको फाइनली इसको गार्निश करके अब इसमें चाट मसाला डाल दीजिए, जीरा पाउडर डाल दीजिए। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये कटोरी चाट। इसकी चाट खाइए और इसके साथ में इसकी कटोरी भी आपने खा लेनी है, बहुत क्रिस्पी लगती है। ये देखिए मैंने खाया है, बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी। आपको सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑफकोर्स या शेयर। थैंक यू सो मच।